सर सर डॉक्टर भरवे अभी आपको 10 मिनट में देखेंगे उन्होंने डॉक्टर कपूर को भी बुलवाया है सर मैं देखकर आती हूँ कि वो कहाँ है ठीक है फ्रेडरिक्स सर का ख्याल रखना आशा देखो डॉक्टर सारंग क्या आने वाले थे उनका क्या हुआ यस सर एसीपी साहब क्या कौन है मेरा नाम सुमन है यहाँ क्या चाहिए आपकी मदद चाहिए मदद मेरे पति आपसे बात करना चाहते हैं आपको मालूम था मैं यहाँ आया करता हूँ जी देखिए अगर ये पुलिस का मामला है तो मैं शायद आपकी मदद नहीं कर सकूंगा मैं आजकल ऑफिस नहीं जाता हूँ सिर्फ सिर्फ 2 मिनट की बात है मेरे पति यहाँ पास में है वार्ड नंबर 12 में वार्ड नंबर 12 में ये तो टर्मिनल वार्ड है उन्हें कैंसर है आखिरी स्टेज में है आई एम सॉरी बताइए बताइए क्या बात है हमारा बेटा अचानक गायब हो गया है मुझे कैंसर हो गया है एसीपी साहब बस कुछ ही दिनों का मेहमान हूं पता नहीं मौत कभी भी आ सकती है ऐसा मत कहिए मैं मौत से नहीं डरता मैं अपने बेटे के बारे में सोच सोच कर मरा जा रहा हूं पर वो गायब हुआ क्यों क्या किसी ने उसे गायब किया या उसे गायब करके किसी को क्या मिलेगा वो गायब हुआ कहां से वो पुणे में एमबीए कर रहा है यहाँ आता रहता है 2 दिन पहले भी आया था फिर चला गया आज सुबह जब डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि इनकी तबीयत बहुत खराब हो रही है तो मैंने फोन पर उससे बात करने की कोशिश की तो मालूम पड़ा कि वो पुणे गया ही नहीं वो पुणे पहुंचा ही नहीं तो फिर वो रास्ते में से कहां गायब हुआ होगा बताओ ना वो कॉलेज वाले क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि नीरज ने शनिवार को ही उनको फोन करके बताया कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत खराब है इसलिए वो नहीं आएगा मगर वो गया यहाँ से सोमवार को उससे झूठ बोला कि वो पुणे जा रहा है अभी हम वही सोच रहे थे कि उसने झूठ क्यों बोला इतने में दिव्या आ गई दिल्ली से दिव्या ये दिव्या कौन है जी मैं नीरज की बचपन की दोस्त हूँ नीरज और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं वैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ लेकिन आज सुबह मुझे नीरज का ये लेटर मिला मैं घबरा गई और प्लेन से यहाँ आ गई क्या लिखा है उस लेटर में आप खुद ही देख लीजिए शुक्रवार की रात को जब नीरज यहाँ आया था तो उसने मम्मी जी और डॉक्टर साहब की बात कॉरिडोर में सुन ली थी देखिए ऐसे हालात में कुछ नहीं किया जा सकता केवल ईश्वर पर भरोसा कर सकते हैं अगर आज हमारे पास पैसे होते तो कुछ न कुछ जरूर करते हम मैंने सुना है कि लंदन में कैंसर का ऑपरेशन होता है हमारे एक जान पहचान वाले थे उनका हुआ था और वो ठीक भी हो गए थे मगर 5 लाख रुपए लग गए थे उनको 5 लाख हाँ वहाँ इलाज कुछ महंगा है वहां इलाज करवा लेते मगर सारे पैसे तो यही लग गए क्या करें थोड़े पैसे होते तो ये बच सकते थे शायद उसने जो कुछ भी सुना उसे वो उदास हो गया होगा उसे लगा कि वो अपने माता पिता पर एक बोझ बन गया है इस उम्र में जहां उसे कमाकर खिलाना चाहिए था वो अपने पिता का इलाज भी नहीं करवा सकता था उसने सोचा होगा कि अगर कहीं से उसे 5 लाख मिल जाते तो वो उनकी जिंदगी बचा सकता था मगर हम तो दूसरी बात कर रहे थे उसने पूरी बात सुनी नहीं मैं गम में कुछ भी बोले जा रही थी डॉक्टर साहब ने एकदम सही बात की थी पैसे होते तो ये बच सकते थे मगर
यहाँ भी अच्छे से अच्छा इलाज होता है, मगर सच बात तो यह है कि बहुत देर बाद पता चला कि इन्हें कैंसर है। अब ये इतना फैल चुका है कि ऑपरेशन से कुछ नहीं हो सकता। मेरा बेटा गलत समझ बैठा है एसीपी साहब, उसे पता नहीं कि अब ऑपरेशन भी मुझे नहीं बचा सकता। इस लेटर में लिखा है कि चाहे जान भी गंवानी पड़े या लेनी भी पड़े, फिर भी किसी भी हालत में 5 लाख कमा के ही छोड़ूंगा। बहुत डिस्टर्ब लगता है, इसलिए आपको बुलाया है यहाँ एसीपी साहब। पता नहीं मेरा बेटा क्या कर बैठेगा। जवान बेटे की जिंदगी का सवाल है, उसे बचा लीजिए एसीपी साहब, बचा लीजिए। वो जो करने वाला है उसे उसे किसी का भी फायदा नहीं होने वाला, बल्कि बल्कि उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। उसे ढूंढिए एसीपी साहब, उसे ढूंढिए। उसे रोक लीजिए एसीपी साहब। उसका फोटो है आपके पास? जी हाँ, ये लीजिए। फ्रेडरिक्स सर, उसके सभी दोस्तों के नाम और टेलीफोन नंबर्स दीजिए। आज बुधवार है, सोमवार से अब तक उसने किसी न किसी को तो कांटेक्ट किया होगा। जी हाँ, मेरा ही नाम मिलिंद है, मैंने ही आपसे फोन पर बात की थी। नीरज आपका दोस्त है ना? जी, हम लोग स्कूल में एक साथ पढ़ते थे, लेकिन उसके बाद एक लंबे अरसे तक मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि मैं इंडिया से बाहर चला गया था। फिर कुछ दिन पहले अचानक वो यहाँ आ गया। कौन सा दिन था? सोमवार? जी नहीं, संडे, एतवार का दिन था। करीब 12:30 बजे थे। उसी दिन मेरे अंकल गोवा जाने वाले थे, हम लोग उसी की तैयारी में लगे हुए थे कि वो यहाँ आ गया। क्या कहा उसने? उसने कहा कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, फिर कुछ पैसे उधार मांगने लगा। कह रहा था जितने भी हो सकेंगे चलेंगे। हाँ यार, जितने भी दे सकते हो तुम चलेंगे, beggars are not choosers। यार ये कैंसर भी कितनी खतरनाक बीमारी है, तुम लोगों पर क्या गुजर रही होगी ये मैं समझ सकता हूँ। मुसीबत में दोस्त नहीं काम आएंगे तो और कौन आएगा? मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। वैसे तुम्हारे डैड के ऑपरेशन के लिए तुम्हें कितने रुपयों की जरूरत है? मिलिंद तुम जरा यहाँ, सामान बांधने में जरा मेरी मदद करना। अंकल अभी तो बांधा था सामान, फिर से खोल दिया क्या? हाँ? देख क्या सुन रहा हूँ? क्या? मुसीबत में दोस्त के काम दोस्त ही आ सकता है। जितना बंद पड़ेगा मैं कर दूंगा यार। ये क्या है, इस घर में कोई भी आएगा अपने दोस्ती का नाटक करेगा, अपनी रोती कहानी सुनाएगा, तो तुम उसको उठा के पैसे दे दोगे? अंकल नीरज मेरे बचपन का दोस्त है, उसके डैड की तबीयत खराब है। ठीक है, इसको 1-2 हज़ार रुपये दे देना, उसको छुट्टी कर देना। पता नहीं इसका बाप बीमार है या नहीं, मुझे तो अच्छा सी लगता है। नीरज यार मैं तुझे 5,000 रुपये दे सकता हूं बस। ठीक है चलेगा। मुझे बहुत बुरा लगा था सर, उसने शायद अंकल की बातें सुन ली थी, उसका चेहरा उतर गया था। तो तुमने उसे 5,000 रुपये दिए? जी हाँ 5,000। सर। हाँ आशा। सर अजीब अजीब इन्फॉर्मेशन मिली है सर। क्या? सर मैंने उसके काफी दोस्तों से बात की है, नीरज ने करीब करीब सबसे पैसे उधार लिए हैं सर, किसी से 1,000 किसी से 2,000। सारे कितने हुए? कितने हुए सब मिला के? सर करीब करीब 19,000 है सर, 19,000 सर। 19,000? इस तरह से 5,00,000 रुपये कैसे इकट्ठा करेगा वो? किरीश भाई हाँ? अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बार आपका घर चेक करना चाहूंगा। हाँ जरूर। इस बार जब वो यहाँ आया था यहाँ सोफे पे सोया था वो, ये है उसका डेस्क, यहाँ वो रखता है अपने कॉलेज की किताबें और पेपर्स वगैरह। सर न्यूज़पेपर की क्लिपिंग है सर, आर्टिकल लिखा है विजय मिस्त्री ने। ये आंखें ना होना भी एक शाप है। बताओ क्या लिखा है उसने? सर ये आर्टिकल सौगाड़ा एरिया के बारे में लिखा है। सौगाड़ा? ये तो बहुत ही खतरनाक एरिया है, नोटोरियस, पुलिस अक्सर वहां छापा मारती है, कुछ ना कुछ मिलता है।
क्या लिखा है सौगाड़ा के बारे में ये विजय मिस्त्री ने? सब वो भेज बदल कर वहाँ गया और उसने एक पिस्टल खरीदने की कोशिश की, तो उसे पता चला कि वहाँ बंदूकें पिस्टल इतनी आसानी से मिल जाती है, और सर उसने काफी बार्स के नाम तक लिखे हुए। हाँ, लेकिन आशा ये विजय मिस्त्री का आर्टिकल यहाँ क्या कर रहा है नीरज के डेस्क में, और नीरज सौगाड़ा के बारे में क्यों पढ़ रहा था? अच्छा, फौरन अभिजीत को फोन करो, उसे कहो मैं उसे मिलना चाहता हूँ, और एक गाड़ी का भी इंतजाम करो, हम सौगाड़ा में जाएंगे। अंधे को लंगड़ी की मदद लेनी ही पड़ेगी। अभिजीत, देखो तुम्हें कोई लॉटरी वाला दिखता है क्या? जैकेट पहना हुआ, लंगड़ा है, पैसा के लेके चलता है। सर ये आदमी है कौन? ये अब वैसे तुम्हें बताना तो नहीं चाहिए, तुम तो जानते हो कोई पुलिस वाला अपना खबरी दूसरे को नहीं दिखाता है। मतलब ये खबरी है? हाँ, मेरा बहुत पुराना खबरी है, अच्छा लड़का है, मतलब अच्छा आदमी है। भूत का नाम लिया, भूत आते उसके पास रुकना। अरे सुनो सुनो, लॉटरी वाले। अरे किस्मत आजमा लो साहब, एक टिकट ले लो साहब। अरे किस्मत खुल जाएगी साहब, कम से कम लखपति तो बन ही जाओगे साहब। लॉटरी? कौन सा टिकट दूं? लॉटरी। अरे ये सीपी साहब आप? हाँ। क्या खबर है? देखो लॉटरी, अभिजीत उसे फोटो दिखा। ये 22-23 साल का जवान लड़का इस एरिया में आया था, जल्दी से मालूम करके मुझे बता कहाँ गया है। हाँ, इस एरिया के सभी बार में पूछताछ कर, और आज रात को 11 बजे अपने पुराने अड्डे पे मिलना। गाड़ा में जितनी बार है साहब, सब ढूंढ मारी, एक एक वेटर से बात की थी साहब, पता चल गया साहब, लड़का आया था यहाँ, इतवार को भी आया था, सोमवार को भी आया था, यही लड़का है साहब। ऐसे एरिया में ऐसा बच्चा आएगा तो किधर छुपता है साहब? चाहिए क्या था उसको? वो एक गन खरीदने को आया था साहब। अच्छा, उसके पास 10,000 रुपए था। बेवकूफ, सबसे खुलेआम पूछता था पिस्तौल है क्या पिस्तौल। पहले तो सब लोग उसकी बात पर हंसते थे साहब, पर उसके पास पैसा था ना, और सौगाड़ा में पैसा बोलता है साहब, पैसा। एक मिनट साहब, अपुन का एक दोस्त है वेंकट, अपुन उसको बुलाता है। ए वेंकट, इधर आ, आजा। ये वेंकट कौन है? ये साहब गुड़िया बार का मैनेजर है, ये आपको बताएगा। मंगलवार को इसके बार में वो लड़का आया था साहब। हाँ। बता बता। जी साहब, वो नर्वस दिखाई दे रहा था साहब, ऐसा लग रहा था जैसे किसी का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, मेरा है, मेरा। हाँ, थैंक यू। हेलो, हाँ बोलो। हाँ मिल गया। कितना? अच्छा, हाँ हाँ है मेरे पास। हाँ, कमरे में है? हाँ, मैं ला सकता हूँ वहाँ से। हाँ ठीक है, कभी 4 बजे? 4 बजे कहाँ पे? शालीमार? हाँ नहीं ठीक है, मैं पता कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, उसके एकदम बाहर। हाँ ठीक, 4 बजे मैं पहुँच जाऊँगा। हाँ, मैं निकलता हूँ अभी। हाँ थैंक यू, थैंक यू। बेटा छुट्टे रख लो। तुम्हें पता है ये शालीमार बिल्डिंग कहाँ पे है? ये वो 3 सर्कल पार्क के आसपास है कहीं। तुम्हें पता है किस तरफ है शालीमार बिल्डिंग? यानी ये कल हुआ, मंगलवार को? जी सर। अच्छा, ये कहाँ है शालीमार बिल्डिंग?
सर शालीमार बिल्डिंग। अच्छा उधर एक वॉचमैन है। सुनो यहाँ के वॉचमैन हो? क्यों दिखाई नहीं देता? नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसे ही पूछा। जरा ये फोटोग्राफ देखो, इसे देखा है? कौन है ये? ये लड़का यहाँ पर था कल शालीमार बिल्डिंग के नीचे 4 बजे, इसे देखा है? नहीं साहब मैंने इसे नहीं देखा। जरा ठीक से देखो, कल ड्यूटी पे थे कि नहीं? इससे आपको क्या मतलब? अच्छा चलो जरा CID ऑफिस चलो, वहां बताना। चलो चलो। अरे चलो एक मिनट साहब, एक मिनट। याद आया? हाँ याद आया, 4 बजे ना साहब? 4 बजे। साहब देखो मैंने इस लड़के को तो नहीं देखा, लेकिन शाम 4 बजे जो है कि यहाँ से एक बारात जा रही थी। बारात? कौन सी बारात? साहब वो यहाँ पास ही में एक शादी का हॉल है, यही अगली गली में। साहब वहीं से आई होगी। अच्छा अभिजीत सर उस हॉल पर चलते हैं, वहीं से पता चल जाएगा किसकी शादी थी और एड्रेस भी मिल जाएगा। जी मेरे बेटे की शादी मंगलवार को थी, पर अब वो उटी में है। अच्छा यादव साहब एक बात बताइए, क्या आपके बेटे की बारात शालीमार बिल्डिंग के सामने से गुजरी थी करीब 4 बजे? शालीमार बिल्डिंग? हाँ जी हाँ, शालीमार बिल्डिंग तो रास्ते में पड़ती है, और करीब 4 बजे ही वहां से बारात गुजरी थी। पर कमाल है, आपको कैसे मालूम पड़ा? क्या आपका कोई पुलिस वाला भी हमारी बारात में शामिल था? नहीं नहीं नहीं। अच्छा शादी में फोटो वीडियो खींचे होंगे, वीडियो शूटिंग की होगी, आजकल तो फैशन है वीडियो का। हाँ हाँ वीडियो फिल्म निकाली थी हमने, और वो नम्रता स्टूडियो वाले को बुलाया था। अच्छा वो टेप होगी आपके पास? हाँ हाँ वो है, ये देखिए। अभिजीत सर फास्ट फॉरवर्ड करके देखो, और जब बारात शालीमार बिल्डिंग के सामने से गुजरेगी तब स्लो करके देखना। नीरज है? हाँ सर किसी से बात कर रहा है। हाँ सर लेकिन ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा, इस पिक्चर का ब्लो अप कर सकते हैं, क्लियर दिखाई देगा सर। ठीक है यादव साहब अगर आप बुरा न माने तो क्या हम ये कैसेट ले जा सकते हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं, पर इसे वापस कर देना और खराब भी मत कर देना। नहीं नहीं हम जरूर वापस लौटा देंगे। भाई इन्हें चाय शाय पिलाओ। जी हाँ आप लोग कम से कम चाय तो पीते जाइए। नहीं नहीं थैंक यू वेरी मच, मगर आपके बेटे की बारात का मुहूर्त हमारे लिए बहुत सही निकला। आशा सर इस पिक्चर का ब्लो अप निकालो, अपने रिकॉर्ड्स चेक करो और उस लॉटरी को ढूंढो। लॉटरी? हाँ? कौन है रे तू? तेरे को पहले कभी नहीं देखा। पहचान जाएगा, तेरा इंतजार हो रहा है वहां पे, चल चल निकल। लॉटरी आजा आजा। कमाल है आज। हाँ अभी सर लॉटरी। अरे ACP साहब आप? सलाम साहब। सलाम लॉटरी। लॉटरी जरा ये देख, इस फोटो को पहचानता है? पहचानते हो इसे? इसका हमारी पुलिस में रिकॉर्ड नहीं है। क्योंकि ये बहुत ही चालाक आदमी है साहब, ये कभी नहीं फंसता, ये मछली कभी जाल में नहीं आती। ये बाबू चाइना है साहब, अपन के एरिया का बहुत पहुंचा हुआ आदमी है साहब, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी दिला सकता है, जो बोलो। देख लॉटरी। क्या हुआ लॉटरी? ए चलो तुम यहाँ से, चलो जा रहा हूँ। चलो। अरे लेकिन बात। चलो। ए निकला। देख लॉटरी तेरा कुछ भी काम होगा तू मेरे पास आ जाना। ठीक है साहब। लेकिन आज तू मेरा एक काम कर। बोलो साहब बोलो। मुझे इस बाबू चाइना का पता दे दे, मुझे किसी भी हालत में बाबू चाइना चाहिए। एक जवान लड़के की जिंदगी का सवाल है,
सिर्फ इतना बता दे ये बाबू चाइना मुझे कहाँ मिलेगा, समझे? आपके लिए तो अपन कुछ भी कर सकता है साहब, समझो कि आपको इसका पता मिल गया। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.